मैं क्यों नहीं जीता hmm. बट ठीक hmm. है like, hmm. जनता जो कह रही है वो सराखों पर है तो yes. hmm. तो ट्रॉफी जीता, जीता, hmm. से कुछ नहीं होता मैंने बहुत वीडियोस बनाई है जिसमें मैं छह फिट सात सात फिट की चीजें बना देता हूँ तो ट्रॉफी मैं अपने लिए भी बना लूंगा क्योंकि पूजा भट्ट को माना गया दिस मुठ्ठी जो लोगों को काबू में रखती है

भाई बहन से मिलने की तैयारी है यस yes. वहाँ पर उन्होंने काफी दम लगाया है hmm. और अच्छा कंपटीशन दिया है हमने काफी yes. अच्छा कंपटीशन दिया yes. हमने to <laughs> तो नेक टू तो नेक नेक टू नेक जो हमारे सुनने में आया hmm. और मेरे को सबसे अभी सबसे बढ़िया बात जो लगी कि सबसे मतलब वन ऑफ सवाल पूछने की जरूरत ही रिकॉर्ड है आई एम ऑल सेट यार <laughs> मैं पहला है ना ये ऐसे बीमार होने का ऐसा लग रहा कैमरा मिल गया ये तो आ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे को पता चला, तोड़ सारे पहली बात तो ये आ, मेरे अलावा पूरी भारत की जनता से जो कि बहुत सुगंधित है तुम्हारे लिए सबके पास है माल हो गया और मनीषा ने भी कुछ पैसे भेजे थे मुझे कि तुम भी फ्लावर दे दर्ट फुल लेकिन आपको क्या लगता है जीत सही थी या गलत थी डिसीजन क्योंकि जनता बहुत कुछ कह रही है जनता जो कह रही है वो सराखों पर है अगर जनता ने जितवाया उसको भी वोट से तो yes. मेरे को सुनने में आ बहुत नेक टू नेक था हुँ. तो मेरी नज़र में दोनों ही विनर है बट ट्रॉफ़ी भाई जीता एलविश जीता हुँ. वो भी अपना भाई है ट्रॉफी कम्युनिटी में ही आई है यूट्यूब में ही आई है तो आई एम आई एम वेरी हैप्पी मतलब मेरे को जेनुअन एक परसेंट भी ऐसा नहीं लगा कि अरे यार Hmm. मैं क्यों नहीं जीता बट hmm. ठीक hmm. है और कुछ नहीं होता मैंने बहुत वीडियो बनाई है जिसमें सात सात फिट की चीजें बना देता हूँ ah. तो ट्रॉफी मैं अपने लिए भी बना लूंगा ठीक है मेरे को जनता का प्यार चाहिए यही मैंने अपने फर्स्ट इंटरव्यू में बोला था कि मैं वहां जा रहा हूं जनता का प्यार लेने एंड जब मैं वापसी आ रहा हूँ देख दो जनता का प्यार आई लव यू गाइस हमारे अपने फुकरा इंसान है uh, क्या लगता है सबसे बड़ा रिग्रेट जो आपको लगा कि मैंने घर में किया क्योंकि एलविश ने बेबी का जिक्र किया है जब भी रिग्रेट की बात आई yeah. है कि बेबी का के साथ जो वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किया दैट वॉज समथिंग ही रिग्रेटेड एनीथिंग लाइक दैट यू हैव फेल्ट आई थिंक मेरा जर्नी मैंने एक ही बार बोला था जब मैं पूछा गया था कि कौन सी चीज़ आप चेंज करना चाहोगे तो मैंने बोला था जो मैंने अविनाश के लिए एक स्टेटमेंट पास करी थी जब मेरे घर वालों ने मुझे समझा दिया था कि डोंट यूज दैट थर्टी सिक्स ईयर ओल्ड स्टेटमेंट बस दैट इज ओनली वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू चेंज अदरवाइज आई फील की मैंने जर्नी काफ़ी अच्छी समझदारी से और प्यार से और लोगों से रिस्पेक्टफुली रिमेंबरिंग द टाइम जब मैंने सबसे पहले प्रेरणा और हर्ष का इंटरव्यू किया था मुझे आज भी याद है जूम पर तो शी वॉज ऑल सेट वो ऐसी लड़की भाई खट खट खटखट रिप्लाई देती है चाहे मेकर्स के खिलाफ हो चाहे जनता के खिलाफ हो चाहे कंटेस्टेंट के खिलाफ हो वैन यू गॉट टू दैट प्रेर इज दैट एक्टिव वट वॉज योर रिएक्शन मैं में को पता नहीं और निश्चय ने बाहर एग्जैक्टली क्या क्या करा है उन्होंने मुझे रिएक्ट करेंगे तो वी आर वी आर सेविंग दैट फॉर द कॉन्टेंट और वो लोगों को और दिखाएंगे ना कि यहाँ पर भी रिएक्शन हमने निकाला तो पच्चीस लाख नहीं मिले ना तो अब कवर भी तो करने और ही सही यहाँ से नहीं आने चाहिए आने चाहिए मनीषा uh, के साथ जो रिश्ता है वो सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है आपका द uh, बॉन्डिंग जो uh, तकिए वाली फाइट से है द hmm. बॉन्डिंग जो सुबह शाम एक दूसरे को तंग करने से है दिस इज़ अ टॉम जेरी बॉन्डिंग आई वुड से सो दैट इज़ समथिंग जो सबसे बड़ी कमाई मुझे लगता है बिग बॉस के घर से आपने ली है बिल्कुल बिल्कुल मतलब मैं जब बाहर आया हूँ मुझे इतने डी इतने फेस hmm. टाइम सब में आके कह yeah. रहे उसको बहन नहीं बोलना मैंने कहा अरे यार मतलब मुझे नहीं पता था कि हमारी बॉन्डिंग इतनी पसंद आ रही है लोगों को आई एम ग्लैड मतलब स्पेशली मनीषा She's hmm. like, pure hearted, मैंने से बोला भी बहुत अच्छी यार वो मेरे से हॉस्पिटल मिलने आई देख के ठीक है यार जो था स्टेज मतलब शो में जो भी हुआ कीपिंग दैट डिसाइड आई नो की सर्टन थिंग्स उसने ओवर करी सर्टन थिंग्स मैंने ओवर yeah. करी तो इट्स फाइन मतलब मैंने hmm. हमेशा अगर आपने देखा होगा इट है पार्ट ऑफ गेम जहां मुझे लगा की uh, लड़ाई हुई और थिंग्स कैन बी लाइक Hmm. Mended, तो मैंने हमेशा कोशिश करी वो यस 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 क्योंकि पूजा भट्ट को माना गया कि शी इज़ दिस अ जो लोगों को काबू में रखती है और मैं को तब्दील तब, करके तब 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 <laughs> पूजा भट्ट के खिलाफ भी आवाज उठाई है वहां से यहाँ तक पूजा का सफर बदला है पूजा जब घर के बाहर भी आए हैं नो बडी वॉज एक्सपेक्टिंग पूजा भट्ट जो है शायद इंटरव्यू देगी लेकिन काजल बिखरा पूजा भट्ट का साफ कर कर उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं डिड यू फील दैट चेंज आई डोंट नो मतलब मेरे को देखो जहाँ उनका लगा मैंने हमेशा बोला शी इज़ अ वेरी वाइस लेडी और जहाँ पर मुझे लगा कि कहीं सिचुएशंस थी जो जहाँ पर वो भी गलत थी एंड मैंने मेरे को मैं ये देखता था कि लोग कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहे ऐसे हो रहा है कि पूजा जी ने जो बोल दिया वो सही है जैसे मतलब इसी के बाद उनको मूवी का ऑफर मिल जाएगा मैं कहा क्या भाई हमें तो चाहिए नहीं हम तो अपनी खुद बना लेंगे हम तो खुद बनाने वाले मूवीज मूवीजली आई डोंट मेक मूवीज बट मेरे को ऐसा मेरे को ऐसा लगता है जब पीपल लुक डाउन टू यू वैसे छोटे लोग छोटी सोच एंड फ्लिप फ्रॉम आई डोंट टेक दैट प्रिंस नरूला ने बोला

भाई साहब इनका बकायदा दस्तखत हो चुके हैं बिग बॉस के लिए मैं बता दूं आपको, नहीं right? नहीं अभी ऐसा आ, कुछ नहीं है जनता जनता में आ, तो के, लिए सब कुछ. के लिए सब कुछ दो बड़े रिश्ते जो आपने घर से कमाए हैं मनीष और एलविश एक इंसान जिसको ब्लॉक करेंगे नहीं नहीं मैं किसी को ब्लॉक नहीं और मैं मैं सॉरी मैं, मैं रिश्ते मिस कर रहा हूँ पलक आकांक्षा आलिया जिया सॉरी जिया ये सब दे आर वेरी क्लोज टू मी और मतलब आई लव देम आई लव देम ऑल आई स्वेयर टू गॉड आई लव देम ऑल एनी प्लान्स कि एक गेट टुगेदर हो इन सभी लोगों के साथ मैं जैसे ही एकदम ठीक हो जाऊं फिर सारे जो भी हैं वो और एवरी इज़ इन्वाइटेड टू माई हाउस कभी भी आ सकते हो और आप भी हाँ। जब मन करे आप अपना आप अपना हर श्र प्रेरणा मैसेजिंग यू ऑन व्हाट्सएप राइट अवे आई गॉट दी परमिशन टू एंटर इन योर हाउस 100% या राइट क्विक मैसेज टू योर जनता एंड हेल्थ अपडेट बिकॉज़ दे वना सी यू आप अच्छी uh, सुविधा के साथ जाएं अपने दिल की और दिमाग की मैं अपनी जनता को यही बोलना चाहूंगा कि हम जीते हैं यस yes.

सच में हिल हिलतम सिस्टम हमने हिलाई दिया दोनों ने मिलके है ना यस थैंक यू सो मच फुकरापंती ऐसे ही जारी रख के बिकॉज़ दैट्स अ नीड बिग लाइफ